नमस्कार दोस्तों, शंकर इलेक्ट्रॉनिक चैनल में आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आप लोगों के बीच में मैंने लेकर आया हूं कलर टीवी, जो कि इसमें टीवी ऑन जब होती है तो इसमें वोल्टेज कितने कितने मिलते हैं हर जगह पार्ट्स पर, तो आज मैं बताऊँगा। तो पहले बता देता हूँ कि इसमें जो आई सी लगी हुई है, आई सी के नंबर आपको दिखा दे रहा हूँ। दोस्तों आपको आईसी के नंबर में दिखा दे रहा हूँ कि इसमें नंबर कौन से लगा हुआ है। तो 8893CRCNG7D65, तो दोस्तों यही नंबर लगा हुआ है आईसी के। और यदि हम इसको ये ट्रांजिस्टर की बात करते हैं जो यहाँ पे लगा है ट्रांजिस्टर, तो ये 2383 है 2383, तो ये 2383 एक ट्रांजिस्टर उधर मुँह किया है, एक ट्रांजिस्टर इधर मुँह किया है, और ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है 1815। तो हम इसको आपको दिखा दे रहे हैं कि इसमें जो नंबर लगे हैं कौन कौन से नंबर लगे हैं। तो देखिए दोस्तों 2383 और ये जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं 1815। दोस्तों ये आपको दिखा दिया हूँ। अब एक ट्रांजिस्टर लगा है जो कि उधर मुंह किया है, ये भी 2383 है। देखिए 2383 ये भी नंबर लगा हुआ है, ठीक है। अब हम वोल्टेज चेक करेंगे कि इसके वोल्टेज इस पर कितने कितने शो होते हैं। तो डिजिटल मल्टीमीटर को सीधे मैंने सेट कर लिया हूँ 200 रेंज पर डीसी, और एक काले पोल को मैं लगा दूँगा ग्राउंड में, टीवी के कहीं भी लगा सकते हैं, ग्राउंड होना चाहिए, तो ग्राउंड में लगा दिया हूँ। और टीवी के प्लग को मैं लगा दे रहे हैं बोर्ड में। अब हम वोल्टेज चेक करेंगे वोल्टेज कितना कितना इस पर शो हो रहा है। तो टीवी ऑन हो चुकी है दोस्तों, पहले वोल्टेज हम देखेंगे यहाँ पर 110 वोल्टेज शो हो रहा है। और आगे हम चलते हैं इसके, छब्बीस पॉइंट नाइन वोल्टेज, मतलब 26.9 वोल्टेज, मतलब 27 वोल्टेज करीब में पहुंच गया वोल्टेज दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ पे 11.5 वोल्टेज से अधिक मिल रहा है, और यहाँ पे 15 वोल्ट से अधिक, मतलब कि 16 वोल्टेज करीब में जा रहा है, 15.8। और आगे हम देख रहे हैं कि इसकी जो HT पे जा रहा वोल्टेज, HT पे वोल्टेज कितना कितना मिल रहा है। तो हम पहले वोल्टेज चेक कर ले रहे हैं कि पहले वोल्टेज कितना मिल रहा है इस पर। पहले वोल्टेज तो फर्स्ट नंबर पिन पर दोस्तों यहाँ पे मिल रहा है 112 वोल्टेज से अधिक, थोड़ा 112.5 वोल्टेज, जो कि ये H आउट लिखा है, हॉरिजॉन्टल आउट। और यहाँ पे दूसरे नंबर पर हॉरिजॉन्टल आउट यहाँ पे भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दूसरे पिन पे यहाँ वोल्टेज 111.8 वोल्टेज, और यहाँ पे हम देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल आउट यहाँ पे भी 110 वोल्टेज से थोड़ा अधिक मिला है। और यहाँ पे देख रहे हैं तो प्लस बी प्लस, मतलब यहाँ पे 110 वोल्टेज जो आता है वोल्टेज इधर से निकल करके इधर से जाता है, तो यहाँ वोल्टेज 109 वोल्टेज आ रहा है। और यहाँ पे देख रहे हैं हीटर, ये लिखा है H आउट, मतलब हॉरिजॉन्टल आउट यहाँ भी लिखा है हॉरिजॉन्टल आउट दोस्तों, और यहाँ भी हॉरिजॉन्टल आउट लिखा हुआ है, और यहाँ ग्राउंड, ठीक, यहाँ ग्राउंड है, और यहाँ AFC 0 वोल्टेज, और यहाँ पे 9 पर देख रहे हैं 6.6 वोल्टेज, और 10 पर देख रहे हैं तो 109
6.6 वोल्टेज। तो दोस्तों यहाँ वोल्टेज हमने चेक कर लिया हूँ, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10वें पिन पे हमने चेक कर लिया है, जो कि हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, और ये 110 वोल्टेज यहाँ पहुँचता है, तो यहाँ भी हॉरिजॉन्टल आउट हो रहा है और यहाँ भी हॉरिजॉन्टल आउट हो रहा है। तो अब मैं चलते हैं सीधे इसके नीचे, जो यहाँ पे वोल्टेज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वोल्टेज इस ट्रांजिस्टर पे वोल्टेज कितने कितने पहुँचता है, तो यहाँ पे हम देख ले रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2383 का नंबर का ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ एक 1815 लगा हुआ है। तो वोल्टेज यहाँ पे हम चेक कर ले रहे हैं कि वोल्टेज कितना शो हो रहा है। तो एक ट्रांजिस्टर का मुंह इधर, ये ट्रांजिस्टर का मुंह इधर, ठीक है। तो इधर वाला मुंह के हम देख रहे हैं, जो इधर मुंह किया हुआ है, तो ये इसका बेस है, तो बेस पर वोल्टेज हम चेक कर ले रहे हैं, बेस पर वोल्टेज कितना मिल रहा है, तो 5.5 वोल्टेज। और इसके कलेक्टर पर चेक कर ले रहे हैं, तो यहाँ पर 8.5 वोल्टेज। और इसके यहाँ पे हम चेक कर ले रहे हैं एमीटर पे 4.8 वोल्टेज। ये ट्रांजिस्टर की बात करते हैं, तो यहाँ इसके ट्रांजिस्टर जो नंबर लगे हैं 2383, इसके इधर मुंह किया है, इधर मुंह किया हुआ है, तो इसके हम वोल्टेज चेक कर ले रहे हैं। तो यहाँ देखिए, जो इधर मुंह किया हुआ है, तो पहली बात तो समझिए कैसे मुंह किया हुआ है, मतलब कि ऐसे ऐसे लगा हुआ है। तो ये क्या है इसमें, ये इसका, तो दोस्तों ये जो ट्रांजिस्टर है 2383, तो ये इसका बेस है, ये बेस है, और इसका ये बीच वाला कलेक्टर है, और ये एमीटर है। तो ऐसे लगा हुआ है, ये बेस है, तो बेस पे वोल्टेज हम चेक कर ले रहे हैं, तो बेस पर 8.8 वोल्टेज, और कलेक्टर पर 10.6 वोल्टेज, और एमीटर पे 8.2 वोल्टेज यहाँ मिल रहा है। तो अब दोस्तों यहाँ पे 1815 जो है इधर मुंह किया है, इधर मतलब इधर मुंह किया है ऐसे, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, 1815 को हम बेस पे वोल्टेज चेक कर रहे हैं, बेस पर 0 वोल्टेज, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कलेक्टर 8.8 वोल्टेज, और इसका एमीटर पे देख ले रहे हैं, एमीटर पे 0.0 वोल्टेज यहाँ पे शो हो रहा है। और यदि हम इसके बात करते हैं इधर, तो जो वोल्टेज निकल करके इधर जाता है, तो पहले हम देख ले रहे हैं कि ये जो यहाँ पे एक जम्पर की तरफ से मनाया गया है, जो कि यहाँ से वोल्टेज 8 वोल्टेज यहाँ जम्पर से होकर के यहाँ गया है, जो कि सीधे यहाँ से होते सीधे यहाँ पर IC पे चला गया है। तो हम इधर बात करते हैं यहाँ पे, तो किस नंबर पिन पे चला गया है, तो यदि हम गिनना चाहते हैं तो बड़ा देर हो जाएगी गिनने में, आपको बता दे रहे हैं। तो दोस्तों हम गिनती गिन ले रहे हैं कि एक, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऐसे मार्का लगा हुआ है IC के, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 नंबर के पिन पे जो कि ये वोल्टेज आता है, कितना 8 वोल्टेज, देखिए 8 वोल्टेज यहाँ पे शो हो रहा है। यदि वोल्टेज 8 वोल्टेज दोस्तों कम मिलता है, यदि सप्लाई सही रहती है तब, और नहीं तो नहीं मिलेगा यहाँ पर 8 वोल्टेज, यदि ख़राब रहेगी तो यहाँ पे 8 वोल्टेज नहीं मिलेगा। और यदि हम इसको देख रहे हैं कि एक सप्लाई से वोल्टेज निकल कर इधर गया हुआ है IC पर, तो यहाँ पे हम जो मेमोरी IC होती है, मेमोरी IC ये लगी है, मेमोरी IC, तो इस पर वोल्टेज हम चेक कर ले रहे हैं। तो पहली बात तो हम यहाँ देख कॉट लगा, देखिए कॉट, तो कट लगा हुआ है, तो पहले गिनती गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर पिन पे
7.6 वोल्टेज, ठीक, और 7 नंबर पिन पर 0 वोल्टेज, और 6 नंबर पिन पर 7.6 वोल्टेज, और यहाँ पर भी 5 पर 7.6 वोल्टेज शो हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ वोल्टेज हमने आपको दिखा दिया हूँ, वोल्टेज सारे ओके हैं। अब मैं चलता हूँ यहाँ टीवी को दिखाने के लिए, टीवी को कि यहाँ पे देखिए लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए दोस्तों टीवी के अंदर लाइट जा रही है, और ये टीवी को बंद करके फिर से देख रहे हैं। तो टीवी खुल चुकी है दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है ऑटो। तो ठीक है, वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक